अच्छा कमल, ये क्या है? ये क्या है? ओहो, ये लाई पट्टा है। लाई पट्टा है, ये लाई पट्टा है। लाई पट्टा है क्या? लाई पट्टा है। मोपी मोपी देखो। Hey guys, welcome back to another new vlog. जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में जाल है और लिरिक के हाथ में भी जाल है। इसका मतलब ये है कि हम आज फिर से फिशिंग करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कल रात से बारिश हो रही थी, पानी जो है बहुत बढ़ चुका है, पानी गंदा भी है, तो मछली मिलने की उम्मीद, ऐसे में पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, इसी पॉसिबिलिटी के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें काफ़ी दूर पैदल चलना है यहाँ से हमको पहुँचने तक। बने रहेगा इस ब्लॉग पे, देखते हैं आज इस फिशिंग में हमारा साथ क्या क्या होता है और हमें क्या कुछ मिलता है। वैसे हम आए हुए हैं पोपदी गांव में और ये पानी खेती वाला इलाका। वैसे ये जाल भारी है काफी। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नदी, आप देख सकते हैं वहां पे। और अभी बज रहे हैं दिन के 12, लंच का टाइम है, लेकिन मैंने सुबह से बस एक कप चाय पी और एक गिलास पानी पिया था और अभी से मुझे भूख लग रही है। नदी में जब आप रहते हो तो भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, तो देखो गाइस पानी कितना बढ़ चुका है। और वहाँ नीचे अभी लिरिक दोस्त और एक मामा जी चले गए हैं और यहाँ पे है कुछ मोकन, अभी हाथ आजमाने वाले हैं, फिंगर क्रॉस। आज तो फ्लॉप होना नहीं बनता है, आज पिक्चर हिट चाहिए। और गाइस देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़, पहाड़ के ऊपर बादल, बादल और पहाड़ के बीच वहाँ पे पाया गाँव। और ये देखो भाई मौसम। चलो पहले शॉट के लिए रेडी, ऐसे जाल फेंकते वक्त चुप रहना पड़ता है। और ये पहला शॉट दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ पहला बार में। और ये दूसरे बार की तैयारी, बजरंग बली, चुप, बिल्कुल चुप। दोस्तों अभी तो हमें बस छोटा छोटा दो ही मिला है। तो दोस्तों हमें तो फिलहाल अभी तक नहीं मिले, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन नीचे जो गए हैं चले वहां आपको ले चलते हैं और वहां देखते हैं वहां मामला क्या हो रहा है। खाली है। वीडियो का कोई दोस्त नहीं काका, कुछ तो आया होगा। अच्छा, अभी मेरे वीडियो बनाने को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम वीडियो बना रहे हो इसलिए मछली नहीं मिल रहा। गजब बेइज्जती है, मेरा वीडियो बहुत अनलक्की है या फिर मैं पनौती हूँ। हम लोग अभी पोजीशन जगह चेंज कर रहे हैं क्योंकि ऊपर कुछ नहीं हुआ, हालत खराब हो रही है दोस्तों। ऊपर से वो दिख भी नहीं रहा है जहाँ से हम चलना शुरू कर रहे थे, इतने दूर आ गए, पसीना पसीना हो चुका हूँ। और एक बज रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूख काफी लग रही है। शिट, ये तो अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। तो फाइनली इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ मैं पहले भी ब्लॉग बना चुका हूँ। तो वो दो मामा जी प्रो दोनों जा रहे हैं उधर कहीं, उधर ऊपर से नीचे जाएंगे, मुझे इतना मेहनत नहीं करना, जब वो लोग वापस आएंगे तब देखेंगे क्या मिला उन्हें, फिलहाल हम यही रहेंगे। और पानी प्यास लग रही है यार, पानी पी लेते हैं। मजा आ गया दोस्तों, मच्छी मिलो या मत मिलो, अपने को तो टाइम पास करना है बस। और ऐसे जंगल नदी से ज़्यादा बढ़िया टाइम पास कहीं और हो ही नहीं सकता, कसरत भी हो जाती है और एक बढ़िया सा वाइब भी मिलता है। आमने सामने ज़्यादा लोग है भी नहीं, देखिए बस दम दो चार ही हैं, एकदम शांति शांति। तो दोस्तों कुछ देर यहाँ पे इस हट पे रुकने के बाद अभी फिर हम मूव कर रहे हैं, पहले जहाँ दोनों मामा लोग गए हैं वहाँ जा रहे हैं। अभी ऊपर तरफ आ गया था, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, स्लिपरी है काफ़ी, यहाँ से उतरना है मुझे। ये देखिए यहाँ से उतर के जाना है वहाँ नीचे, ब्रेक फेल होना नहीं, ब्रेक फेल होना नहीं। हर जगह जोंक ही जोंक भरती, सारा रात सोया नहीं, अब मुझे सोने दो, ख्वाब पूरे हुए नहीं, नींद पूरे होने दो। तो माइक
इतना बड़ा यार पेड़ कहाँ गया ये दोनों। ये कितना गहरा है मुझे पता नहीं, क्यों कुछ दिख ही नहीं रहा। को बेकार के नीचे आने दिए, आते ही फिर वापस ऊपर लेके जा रहा है, फिर जगह चेंज। मैं इस स्पॉट में जाया बेकार में आने दिए नीचे। मामू ने चढ़ाई क्या? अभी दुकान मिलेगा तो कुछ खाएगा। फाइनली एक दुकान मिल गया लेकिन बंद है, अंदर से देखा। दुकान मिल गया था तो 10 रुपया वाला 3 केक और 10 रुपया वाला 3 बोतल पानी मैंने ले लिया है, थोड़ा सा रिलीफ। अभी एक सुंदर सा बागान के बीच से होकर जा रहे हैं हम लोग नदी, फिर से वहां नीचे उतरना है। वो देखो नदी, ये देखो पैर टूट के, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है गेट बना हुआ है। अभी 1:30, एक घंटा में घुइया भी नहीं मिला अभी तक। पता नहीं क्या होगा। सारा एक प्लेट केक चबा दिया और पानी पिया, अभी थोड़ा सा राहत मिला पेट को। क्या सलीखे से खाना है, चबा देना है। ओहो हमेशा कैसे पनौती होगा। वो देखो दोनों मामा अभी हमें बैग सौंप कर वो फिर नीचे चले गए, फिर आएंगे और अभी तक का देखेंगे देखेंगे आज का कमल ये क्या है, क्या है देखेंगे। ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे। हाँ ये क्या है? ओहो गोपी गोपी। और क्या है? लाई पत्ता है। लाई पत्ता है, ये लाई पत्ता है। लाई पत्ता है क्या? आज पता चल गया पनौती नहीं है हम और मेरा वीडियो। ये लाई पट्टा है। ओए होए दिखा दो, ये देखो ये देखो ये देखो असली माल फ्रेश फ्रेश। हाय 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 जिंदा है अभी भी। कैसे बिल्कुल बोलोई मोपी मोपी, देखो मेरा हाथ जितना बड़ा है। दिन बन गया यार, यही चीज तो देखने मन था। टाइम पास का टाइम पास, कसरत का कसरत और ये ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश मछली। अभी वहाँ पे कंटिन्यू, वहां से फिर यहाँ तक आएंगे, तब तक तो एक या दो ले लेगा और अभी नहीं लेने से भी काफी है, जितना लिया उतना ही काफी है इसके अंदर। आ हा 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 बढ़िया यार। नीचे जाकर देखते हैं, क्या पता एक दो फिश और मिल जाए। वैसे काफी मिल गया है, हम चारों के लिए तो एनफ है, मोर देन एनफ ले लिया है। कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा। ओह छोटा वाला है, फिर भी खा लिया तो नहीं से अच्छा था। हाँ वन मोर कली। इधर आने का फायदा ये पानी बढ़ रहा है। दादा अबे ये कैसा रास्ता है बे? वो लोग इतना स्पीड जा रहे हैं, उन लोगों को पहुंचना पड़ेगा तो उसके लिए हमको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा। इस लकड़ी को ध्यान से देखना, अभी इतना है मार्क करके रखे अपने मन में, वहां तक है। तो थोड़ी देर बाद इससे भी ज्यादा हो जाएगा बड़ा पानी। जब भी जंगल जाते हो तो इस तरह के पत्तों से दूर रहना, इसे बिल्कुल भी टच मत करना। और कई बार हो जाता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो लग जाता है स्किन में, लेकिन ऐसे पत्तों से बच के रहना। ये अगर लग गया स्किन में तो आपको 2-3 दिन तक परेशान करता रहेगा,
इतनी तेज जलन और खुजली होती है। ये वाला पत्थर ये लगा है साला पाव पे। दोस्तों कोई रास्ता नहीं, ऐसे साइड साइड से होके जाना है और यहाँ कितना गहरा है मुझे पता नहीं, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग, पहले वहाँ पहुँचता हूँ फिर दिखाता हूँ। लगता है एक और मिली है दोस्तों, एक और मिली है, लगता है मिली तो है, वो बैग में डाल के ले गए अंदर, आगे जा रहे। कहाँ अभी का वाला लेटेस्ट वाला कहाँ है? ओहो बढ़िया, चलो बाद में दिखाएंगे टोटल को। इतना गहरा है देखो किनारे से, बस इतना करीब होके भी ओए गसे, एक तो आया ले दे तुमको पहले तुम्हें तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं और अभी ये देखो दिखाता हूँ, याद है ये वाला डंडा? अभी देखो कितना बढ़ गया है पानी, इसको ही देखते हुए अभी हम वापस जा रहे हैं। हो गया, बहुत हो गया आज के लिए, बहुत काफी है। और वन मोर घस तो गाइस फाइनली हम नदी से और जंगल से बाहर आ चुके हैं, गांव जा रहे हैं। आज जितने भी मछली मिले हैं वो इस बैग में है, वहाँ एक घर में पहुँच कर दिखाएंगे टोटल कितना मिला हमें। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, गिनती करके आपको बताएंगे। क्या मस्त दिन बीता आज का। 12 बजे से हमने चलना शुरू किया था, नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया था, अभी 3 बज चुके वापस लौट रहे हैं। और मतलब इस 3 घंटे के दौरान जो टाइम बिताया है सब एक सपने की तरह लगने वाला है कुछ सालों के बाद। मान लीजिए कि 20-25 सालों के बाद अगर जिंदा रहा तो अभी जैसे मैं घूम रहा हूँ, जैसे जंगलों में जा रहा हूँ, पहाड़ों से उतर रहा हूँ, चल रहा हूँ, वो तो नहीं कर पाऊँगा ना 30-35 सालों के बाद। तब ये वीडियो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। फाइनली तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं लिरिक के घर में। अब चलिए देखते हैं टोटल आज का हमारा मेहनत कितना मछली है और किस किस तरह का मछली है। 1, 2, 3 ये है मोपी, मोपी सबसे टेस्टी मोपी, अगेन मोपी, मोपी ये भी मोपी, 4 मोपी, 5 मोपी ये भी घस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घस। तो दोस्तों ये रहा आज का मेहनत, आपने देखा जिसमें 4 मोपी है और 8 घस फिश है और 2 छोटा छोटा फिश है, 12 मछली मिले हुए, खाने लायक तक काफ़ी है। और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मज़ा भी आया, अच्छा खासा कसरत भी हो गया। तो चलिए दोस्तों अब मेरा बैटरी भी डेड होने वाला है, आज के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द फिर से मिलते हैं, सभी से प्यार कीजिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।